गाइस वेलकम टू मेरे आज की खाबो। तो गाइस आज की खाबो स्पेशल में एक स्पेशल रेसिपी है। तो वो क्या रेसिपी है चलिए देखते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मसूर की दाल। सिर्फ मसूर की दाल नहीं बनेगी, उसके अंदर हम डालने वाले घिया। आज हम बनाएंगे घिया और मसूर दाल मिक्स। घिया को हमने पहले बॉईल कर लिया, आपको दिख रहा होगा, एंड अब हम दाल को भी हमने साफ कर रखा है। अब दाल को हम बॉईल कर लेंगे, फिर दिखाते हैं आगे बनाते कैसे। सो गाइस अपनी दाल भी बॉईल हो चुकी है और लौकी तो पहले ही बॉयल हो गया था, तो हम पहले हम तेल डाल लेंगे, सरसों का तेल। और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और साथ ही में तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। तो गाइस हम डाल देंगे प्याज, प्याज के बाद हम डाल देंगे टमाटर, और ये तो गार्निश कर रखा है, और ये मतलब ये पता नहीं कौन सी कहो, सूखी कहो या हरी कहो, पता नहीं, लाल कहो, ये सब मिक्सचर है। रेनबो मिलते हैं अपना, रेनबो कलर पक चुका है मिर्च अपना। और क्या चाहिए मसाले मुंबई की? हल्दी वैसे हल्दी और नमक से हमारा ये बनता है। प्याज अपना फ्राई हो चुका है, अब हम डाल देंगे हल्दी एक चम्मच और टमाटर का। एंड गाइस अगर बात है, हमने लाओ को इतने बड़े बड़े पीस में रखा है, छोटे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे खाना पसंद करेंगे। तो हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे लौकी, जो हमने बॉल जगह रखा था। मिक्स कर लिए इसको, अब हम डाल देंगे मसूर दाल। वो सर को कमेंट में मेंशन करेगा कि आप तो इसको कितने से मिक्स कर लिया हमने। उनके सब कमेंट मेंशन करें कि आप लोगों ने कभी ऐसे मसूर दाल बनाए खाया नहीं खाया। अगर हम डाल देंगे अब वही मिर्च और धनिया पत्ता ऊपर से। गाइस अपनी मसूर दाल रेडी है लौकी के साथ, तो हम सर्व कर लेंगे। ये तो देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, खाने में कैसे लगेगा। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी मसूर दाल की लौकी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें जितना हो सके। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मज़ा आता है यूनिक यूनिक रेसिपी दिखाने में। थैंक यू सो मच।